بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और दीनी भाई, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़्ल करम और इनाम व एहसान है कि हम सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ा रिश्ता कायम कर दिया है। वो ईमान का रिश्ता है, वो इस्लाम का रिश्ता है, जिसकी बुनियाद पर सारे मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसी को बयान फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फअस्लिहु बैन अखवैकुम, कि ईमान वाले तो आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं, बस तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और उसी को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। लिहाजा भाई भाई होने की हैसियत से ईमानी रिश्ता ये तकाजा कर रहा है कि हम अपने मुसलमान भाई की मदद करें, उसकी तकलीफों को दूर करने की फिक्र करें, उसको जो परेशानियां पेश आ रही हैं उसको खत्म करने की कोशिश करें। अगर हमारे अंदर अपने मुसलमान भाई की हमदर्दी का और गमखारी का और अपने मुसलमान भाई के साथ खैरखाही करने का जज्बा पैदा हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कितने बड़े इनाम का वादा फरमाया है, कितनी बड़ी फजीलत इरशाद फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन नफ़सा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की दुनिया की तकलीफों में से किसी मामूली तकलीफ को दूर करेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन की बड़ी तकलीफों में से एक तकलीफ उसकी दूर करेगा। और जो बंदा अपने किसी मुसलमान भाई की तंदरुस्ती की आसानी की फिक्र करे,
यसर अल्लाह अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उसके साथ आसानी का मामला करेंगे। वमन सतर मुस्लिमन, और जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करे, उसके ऐब को छुपाए, उसकी बुराई को किसी के सामने बयान न करे, सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी करेंगे, उसके ऐब को छुपाएंगे। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फी औनि अखी, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मदद में लगे रहते हैं जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर जुमलों में इतनी अहम बात की जानिब हमें तवज्जो दिलाई। हमारे बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं, हमारी बहुत सी परेशानियां और बहुत सी तकलीफें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने आप हल नहीं कर सकते, उसको दूर करने की कोई तदबीर हमें नजर नहीं आती, ऐसे हालात पेश आ गए, तो ऐसी तकलीफों को दूर करने की सबसे बड़ी तदबीर और सबसे बड़ा अमल यह है कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की ऐसी तकलीफों को और ऐसी जरूरतों को पूरा करने के पीछे लग जावे, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इंतजाम हो जाएगा हमारी जरूरतों के दूर किए जाने का, हमारे मामलात में आसानी का, हमारे हालात के संवारने का अल्लाह फैसला करता है। इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मखलूक के साथ बहुत मोहब्बत है, अल्लाह ताला का अपनी मखलूक के साथ जो मामला है वो शफ़क़त का है, मेहरबानी का है, प्यार का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का परिवार है। फअहब्बुल खल्क़ इलल्लाह मन अहसन इला अयाली, बस अल्लाह के बंदों में अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो अल्लाह के कुंबे के साथ यानी अल्लाह की मखलूक के साथ उसने सुलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, इंसान हो, जानवर हो, ईमान वाला हो, काफिर हो, सबको अल्लाह ताला ने अपना कुंबा करार दिया, अपना परिवार करार दिया। जैसे हमारे कुंबे के साथ, हमारे खानदान वालों के साथ कोई शख्स उसने सुलूक करता है, अच्छा बर्ताव करता है, तो हमें उससे खुशी होती है, इस वजह से कि हमें उनसे मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे के साथ कितनी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसान मिसाल से उसको समझाया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ कैदी लाए गए, उन कैदियों में एक औरत भी थी जिसकी पिस्तानों से, जिसकी छातियों से दूध जोश और उसकी वजह से वो बेचैन और बेकरार, उसका बच्चा उसको मिल नहीं रहा। थोड़ी ही देर में उसने अपने बच्चे को दूर से देखा तो जल्दी से दौड़ी, लपकी और अपने बच्चे को उठा करके सीने से लगा लिया और दूध पिलाने लगी। हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ये सारे मंजर को देख रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछा, सवाल किया,
أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ तुम्हारा क्या ख्याल है ये औरत अपने बच्चे को आग में डालना पसंद करेगी? सहाबे किराम ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, जबकि वो कुदरत भी रखती है उसको बचाने पर, क्यों उसको आग में गिरने दे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत के अल्फाज है, اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں جتنا یہ عورت اپنے بچے کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے۔ جس پروردگار کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کتنا رحیم ہے، ہم نے اس کے رحم و کرم کو ابھی تک پہچانا نہیں، اس کا اپنے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، ہم نے ابھی تک اس کو معلوم ہی نہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک اور روایت میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چادر اوڑھی ہوئی تھی انہوں نے اور چادر میں کوئی چیز ڈھانپ رکھی تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں گنجان درختوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک چڑیا کے بچے کی آواز سنی، تو میں نے جا کر کے چڑیا کے بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس پر چادر لپیٹ لی۔ تھوڑی دیر میں ان بچوں کی ماں میرے سر پر چکر لگانے لگی، گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ان بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے چادر کو کھول دیا تو ماں اپنے بچوں سے چمٹ کر کے لگ گئی، میں نے ماں کو بھی اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور اے اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعہن، نیچے رکھ دو انہیں۔ انہوں نے نیچے رکھ دیا اور چادر کھول۔ اب چادر کھولنے کے بعد ماں تو اڑ سکتی تھی، اس کے تو پر تھے، بچے اڑ نہیں سکتے تھے، مگر ماں اڑنے پر قدرت رکھنے کے باوجود نہیں اڑ رہی ہے اور بچوں کے ساتھ چمٹ رہی ہے، لگی ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑا تعجب ہوا کہ دیکھو ایک چڑیا ایک پرندے کے بچے کی ماں کتنی محبت کر رہی ہے اپنے بچوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون لرحم ام الفراخ بفراخها، کیا تمہیں یہ پرندے کے بچوں کا، بچوں کے ساتھ ماں کا رحم و کرم کا معاملہ تعجب میں ڈال رہا ہے، تمہیں اس سے تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارحم بعباده من ام الفراق بفراقها، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں جتنا یہ پرندے کے بچوں کی ماں اپنے بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتی ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم کا معاملہ ہے جس کی بنیاد پر
अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मखलूक के साथ मोहब्बत है और ऐसे लोगों के साथ भी मोहब्बत है जो अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अर्रहीमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समाई, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करे। इस हदीस शरीफ को हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत कहा है कि हदीस शरीफ पढ़ाने वाला जब भी हदीस शरीफ की किताब शुरू करता है तो पहले ये हदीस शरीफ सुनाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से ये मामला चला है, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। उसी को किसी ने इस शेर में बयान कर दिया है कि खुदा रहम करता है, करोगे मेहरबानी तुम जमीन वालों पर, करोगे मेहरबानी तुम जमीन वालों पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ रहम करम का मामला करे तो अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी जरूरी है। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से बुला करके पूछेंगे, हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे से पूछेंगे, इस्तुअंतुका फलम तुतइनी, मेरे बंदे मैंने तुझसे खाना मांगा तूने मुझे खिलाया नहीं। बंदा कहेगा परवरदिगार कई लोगों का इनको का वालन तारो बुलाई, मैं कैसे आपको खिला सकता हूं, आप तो रब्बुल आलमीन है, तमाम दुनिया वालों के रब है परवरदिगार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मेरे बंदे क्या तुझे मालूम नहीं कि फलां बंदे ने तुझसे खाना तलब किया था, अगर तू उसको खाना खिला देता मुझको वही पास। इस्तस्कैतुका फलम तुस्तनी, मेरे बंदे मैंने तुझसे पानी मांगा तूने मुझे पानी नहीं दिया। बंदा कहेगा मैं कैसे पिलाऊं तुझको, तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला की जानिब से इरशाद होगा कि फला बंदा प्यासा था उसने तुझसे पानी मांगा था, अगर तू उसको पानी दे देता मुझको वही पानी। मरीज को फलम तरुदनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला पूछे कि बंदे मैं बीमार हुआ तूने मुझ मेरी रियादत नहीं की, तीमारदारी नहीं की, बीमार कुर्सी नहीं की। बंदा कहेगा कई बारूदी, कैसे मैं आपकी रियादत कर सकता हूं, आप रब्बुल आलमीन है जहां वालों के परवरदिगार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तुझे मालूम नहीं मेरा फुला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी बीमार कुर्सी कर लेता, उसकी तीमारदारी कर लेता, तू मुझको वही पा। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के साथ रहम व करम का मामला करना, शफ़क़त का मामला करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरगीब दिलाई। सबसे पहले तो ये फरमाया कि जो अपने मुसलमान भाई की तकलीफों में से, दुनियावी तकलीफों में से किसी तकलीफ को दूर करेगा, अल्लाह ताला उसकी तकलीफ को दूर करेंगे। आगे इरशाद फरमाया, वमन यस्सरा अला मुसरी, जो किसी तंदस पर आसानी का मामला करेगा, किसी ने हमसे कोई रकम कर्ज के तौर पर ली और वादा किया कि फला दिन मैं तुझको दे दूंगा, और उसने कोशिश की कि मैं इतने दिनों में कर्ज चुका दूं, मगर हालात ऐसे पेश आ गए, तंदस्ती फकर फाका मोहताजी ऐसी पेश आ गई
कि वो अपनी मोहताजगी की वजह से आपका कर्ज वापस नहीं लौटा था। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फजीलत बयान करवा रहे, ऐसे मोहताज ऐसे तंगस की जरूरत को पूरा करना उसके लिए आसानी का मामला कर दिया और थोड़ी सी मोहलत दे दी उसको। या ये के अगर अल्लाह ने वसअत दे रखी है माफ कर दिया उसके कर्ज को, मामूली अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यस्सरहुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उसके साथ आसानी का मामला है। दुनिया की तकलीफें कोई तकलीफें नहीं है, मुसीबतें कोई मुसीबतें नहीं है। हकीकी मुसीबत वो कयामत के दिन की मुसीबत है, वो आखिरत की मुसीबत है। दुनिया की मामूली तकलीफ किसी की दूर करने की बुनियाद पर अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरत की बड़ी मुसीबत को दूर फरमा दे, ये हमारे लिए बहुत सस्ता सौदा है। इस वजह से मौजूदा हालात में हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम सब मुसलमान आपस में मिलजुल करके एक दूसरे की मुआवनत करने वाले, एक दूसरे की नुसरत और मदद करने वाले, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने वाले, तकलीफों को दूर करने वाले बन जाए। दूसरी एक खास बात आज ये बतलाना है कि हमारे यहां मस्जिद का वजू खाने का काम शुरू हो चुका है। मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद की जाहिरी और बातिनी हर तरह की तामीर और आबादी करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ईमान की उसके ईमानदार होने की बशारत सुनाई है। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की मस्जिदों को तो वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नति, बार बार हम सुनते हैं कि अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक घर बना दे। इब्ने माजा शरीफ में हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा परिंदे के, चिड़िया के घोंसले के बकदर कोई मस्जिद बनाएगा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक घर एक महल तामीर। अब जाहिर है चिड़िया के घोंसले के बकदर कोई मस्जिद नहीं होती, छोटी से छोटी मस्जिद जिसमें कम से कम 3 नमाजी नमाज पढ़ सके, तो चिड़िया के घोंसले के बकदर मस्जिद बनाने का क्या मतलब? मस्जिद की तामीर में थोड़ा सा हिस्सा भी ले, बहुत सारे लोगों ने मिल करके थोड़ी थोड़ी इमदाद करके मस्जिद तामीर खड़ी कर दी। किसी ने मस्जिद की बिजली लाइट बिल में हिस्सा दे दिया, किसी ने मस्जिद की सफों में हिस्सा दे दिया, किसी ने मस्जिद के किसी और काम में तआवुन कर दिया। और अल्लाह के लिए क्या कि अल्लाह कयामत के दिन मेरे लिए अजर व सवाब का दरवाजा खोल दे, मेरे लिए जन्नत में महल तामीर कर दे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जानिब से बड़ी बशारत है। अल्लाह तबारक व तआला की दात से ये उम्मीद है कि हमारा मस्जिद में थोड़ा सा तआवुन कर देना कयामत के दिन हमारे लिए जन्नत में दराजात की बुलंदी का सबब बन जाए। जितने लोग उस वजू खाने से वजू करेंगे और जितनी नमाजें पढ़ेंगे उन सब के अजर व सवाब में अल्लाह तबारक व तआला हमारा हिस्सा भी शामिल कर दे, कितना सस्ता सौदा। इस वजह से मस्जिद के जिम्मेदारान की जानिब से ये
एक आजिजाना दरख्वास्त भी है और गुजारिश भी है कि जितना हो सके मस्जिद के काम में मुआवनत करे, मदद करे और उसमें दिल खोल करके लिल्लाह रकम के जरिए से भरपूर मदद करे। मस्जिद के काम में हमारी जो रकम लग गई, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका क्या हिसाब। दुनिया के मकान को आबाद करने के लिए हम जो माल खर्च करते हैं, कयामत के दिन उसका तो सवाल होगा कि कैसे और क्यों खर्च किया। अगर अल्लाह के घर को आबाद करने की हम ऐसी फिक्र कर लेंगे जैसे हम अपने दुनियावी घर को आबाद करने की फिक्र कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की दात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जन्नत के घर को आबाद कर दे। इस वजह से इसमें भरपूर तआवुन करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानल्लाहु व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक व नतूब। आगे सब बोल लो, अगर पीछे आने वाले तकलीफ हो गई।